दोस्तों धीरे धीरे एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे मुझे लगता है कि जो जानकारियाँ आप तक पहुँचनी चाहिए उनमें एक एक करके कुछ और जानकारियाँ मैं ऐड करता चलूँ। हालांकि कुछ जानकारियाँ मैं पहले ही दे चुका हूँ मगर अभी कुछ और जानकारियाँ साथ साथ में ऐड करते चलूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड, और जीरो पीरियड में आज हम कुछ उन जानकारियों को आपको वापस रिफ्रेश रिमाइंड कराने आ रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर एक पूरा विस्तार से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मगर फिर भी कुछ बातें आपके साथ फिर से साझा करने का मन है तो देख लेते हैं उन बातों को जिस पर आपको ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। पहली पहली चीज ये कहता है कि परीक्षा के दिन जो उत्तर शीट पे श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, लिंग और अनुभव आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। मगर आप अगर आपने इसके पहले जब आप फॉर्म भर रहे थे उस वक्त अगर आपसे कोई त्रुटि कर दी होगी या कोई गलती आपसे हुआ हुई होगी तो उन गलतियों के सुधारने का सबसे अच्छा मौका होगा जब आप परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो उस समय जो कुछ भी गलतियों को सुधारने का मौका होगा वो आपके हाथ में होगा। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप एग्जाम के जो फॉर्म में भर के देंगे वही आपकी फाइनल करेक्शन हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो प्रवेश पत्र के बारे में कुछ साथी पूछ रहे हैं उनको मैं बताते चलूं कि प्रवेश पत्र के संबंध में जानकारी ये है, ये सारे निर्देश जो हैं वो विशेष कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड के, कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर हैं। वहाँ से मैंने जो आपके काम काम की जानकारियाँ हैं उनको अलग निकाल कर लाने का प्रयास किया है और ये उनके पॉइंट वाइज मैंने इस पे इस स्क्रीन पे आपके लिए रखा है। तो परीक्षा के लगभग एक सप्ताह पूर्व एडमिट कार्ड बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मतलब आप अपनी परीक्षा तिथि को देख सकते हैं, उसके लगभग एक सप्ताह पहले ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट का पता आपको मालूम ही है। वेबसाइट में आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद आपको ऑनलाइन इसका एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए हैं तो वो कैसे जानना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी लेनी है। परीक्षा के पश्चात भी एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें। काउंसलिंग के समय और सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसको प्रस्तुत करना होगा, इसलिए एडमिट कार्ड की कोई द्वितीय प्रति यानी इसके बाद सेकेंड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। और मोस्टली होता यह है कि जब एग्ज़ाम ओवर हो जाता है तो वो लिंक भी डिसअपियर हो जाते हैं। तो इससे मेरी सलाह तो ये होगी कि आप अपने एडमिट कार्ड की दो कॉपी प्रिंट करा के रख लें, एक कॉपी आप एग्ज़ाम के दिन ले जाएं, दूसरी कॉपी आप अपने पास घर में रखें। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है। आप ध्यान रखें कि आपको कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यानी कि डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, जो आपके ऑनलाइन होंगे वही आपका एडमिट कार्ड होगा। आगे चलते हैं, कुछ और जानकारियां हैं जो आपके साथ आज मैं बांटने के लिए ही लेकर आया हूँ। परीक्षा कक्ष में प्रवेश। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं। केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं कहने का मतलब है आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ले करके जानी है वो आपको बता रहा हूँ मैं। एक तो एडमिट कार्ड होगा, टेस्ट एडमिट कार्ड, TAC, परीक्षा प्रवेश पत्र ऑनलाइन होगा। यदि फोटो प्रिंट ना हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आएँ। अगर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो प्रिंट नहीं है, आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया, एडमिट कार्ड निकाल लेने के बाद आप ये देख लें उसमें फ़ोटो लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। नीला व काला डार्ट पेन साथ में रखें, या तो नीला रखें या काला रखें, दोनों में से किसी एक को रखें। अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र ओरिजिनल आईडी, इसमें आधार हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें से कोई एक थी ओरिजिनल, उसकी पहचान आपकी की जाएगी उसके माध्यम से, फिर वो वापस कर दिया जाएगा आपको।
मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के पास किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न हो, इसमें कैलकुलेटर, लॉक टेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेपर, मोबाइल, पेजर, इस तरह का कोई भी चीज़ अगर पाया जाता है तो उसको UFM किया जाएगा। UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो चीक मार के पकड़ा जाना को UFM कहा जा सकता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। इसके अलावा परीक्षा के संबंध में कुछ जानकारियाँ हैं, वो भी मैं आपके साथ बांट लूँ। लिखित परीक्षा होगी, वो 100 अंकों की होगी, 100 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो परीक्षा होगी उसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स होंगे। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, 4 विकल्प होंगे, ऑप्शन भी 4 होंगे, ए बी सी डी या अब सदा जो भी कुछ लिखा होगा। 1 विकल्प सही होगा, उसको OMR में आपको नीला या काला डार्ट पेन का उपयोग करके लगाना है, गोला को पूरी तरह से भरना है। ये जानकारी आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न कुछ विद्यार्थियों के ओर से, कुछ परीक्षार्थियों की ओर से आए थे कि परीक्षा में 2 अंक के कितने प्रश्न होंगे। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रश्न 2 अंक का नहीं है, सब 1-1 अंक के होंगे और 100 प्रश्न होंगे। तो इसलिए आप अपनी ये जिज्ञासा दूर कर सकते हैं इस नोट के साथ। ये सारा जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने टाइप नहीं किया है, ये बोर्ड के निर्देश में से वहीं से एज इट इज़ मैं काट करके कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ। अब क्योंकि वो निर्देश काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे पेज हैं उसमें, मैंने उसमें से जो जो हमारे काम का है, आपके काम का है, उनको निकाल दिया। चलिए, एक दो जानकारी और है वो मैं आपके साथ साझा कर लूँ। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात है मूल्यांकन पद्धति, इस पर भी प्रश्न आए थे। तो मैं बता दूँ, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में 1 ही उत्तर सही होगा, स्वाभाविक सी बात है, और 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिए जाएंगे। ऋणात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है, इसको नोट कर लें आप। निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग के डर से आप कोई क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा ना करें। मैं आपको फिर से सलाह दे रहा हूँ कि जिन परीक्षार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किया होगा उनको 0 मिलेगा, उन प्रश्नों के लिए जिनका उत्तर अंकित नहीं किया है। जो आपने अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया तो भी 0 ही मिलेगा, जो आपने अटेम्प्ट किया और सही हुआ उससे 1 नंबर मिलेगा। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप बनाएं या ना बनाएं, आपको कोई नुकसान नहीं है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप हर प्रश्न को ट्राई करें, ट्राई करने से कम आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कहीं तुक्का लगा दिया तो वो भी राइट हो सकता है। तो इस नज़रिए से भी आप जाएं तो आपके पास माइनस मार्किंग का कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से अपने प्रश्न को प्रयास में ला सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लूँ मैं, ताकि परीक्षा की तैयारियों में आप लगे हुए हैं, दिन धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, तो आपको उन बातों की जानकारी रहे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना। कुछ और जानकारियों के साथ फिर मुलाकात आपसे करूंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।